नमस्कार, यात्रा आमंत्रण में आज आपका मैं स्वागत करता हूँ। आज इस वसंत पंचमी के अवसर पर हम भारत सेवा आश्रम में, जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया है। और आज का दिन एक बहुत ही शुभ दिन होता है। सरस्वती पूजा हमारे हिंदुस्तान में हर जगह पर मनाई जाती है, और ये स्पेशली जो प्रांगण है भारत सेवा समिति का, यहाँ पर जो सरस्वती पूजा का उत्सव है बंगाली समाज के द्वारा मनाया गया है। और मैं आज इस खास दिन के लिए स्पेशली यहाँ पर यहाँ आया हुआ हूँ बनारस में, इसको कवर करने के लिए। अभी हम स्वयंपा मजुमदार जी के साथ में, जो आपको यहाँ के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताएंगी, और चूंकि ये यहाँ पर रेगुलर आती हैं, इसके बारे में इनको काफ़ी जानकारी भी है, तो आपको यहाँ के बारे में बताएगी। तो स्वयंपा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये पूजा जो हो रही है कब से हो रही है, क्या महत्व है इसका? ये पूजा तो जब से मतलब यहाँ भारत सेवा आश्रम प्रतिष्ठित हुए तभी से हो रही है। ये हम लोग स्वामी गुरु जी का, स्वामी परमानंद जी का आश्रम है, उन्होंने प्रतिष्ठा किए है, ठीक है। ऑल ओवर ऑल इनका चलता है, हम लोग यहीं से गुरुमुख है। और सरस्वती पूजा हम लोग को बंगाल में ऑल ओवर इंडिया बहुत महत्व रखते हैं। ये विद्या का देवी है, बागेश्वरी देवी है, इनका पूजा अर्चना करने से ज्ञान अच्छी सोच बूझ दिमाग में आते हैं, बुद्धि आते हैं। आपको यहाँ कब से है यहाँ पर? यहाँ हम लोग तो 2006 से आते हैं, यहाँ से गुरुमुख है 2006 से, है ना। और काफ़ी पुराने हैं, और भी काफ़ी शिष्य हैं। ये हम लोग का आश्रम पूजा पाठ होते ऊपर से सबको, जितना भी शिष्य आते हैं, जितना भी आते हैं दर्शन करने, सबको प्रसादी खिलाया जाता है, खिचड़ी का भोग होता है, माता जी को और गुरु जी को अर्पण करके गुरु जी भोग सब। गुरु जी के बारे में कुछ आप बता सकती हैं, गुरु जी के? हाँ, और ये भारत सेवा आश्रम के बारे में? हाँ, ये भारत सेवा आश्रम हम लोग का गुरु जी तो मतलब भगवान का शिव जी के ही स्वरूप थे। उन्होंने मतलब स्वामी परमानंद जी महाराज थे, उन्होंने मतलब समाज की सेवा की, और गया में जब पांडा लोग का बहुत ज्यादा उत्पात हो गए थे, तब उन्होंने लाठी से 10 पांडव को एक में दमन किया था। पांडा मतलब गया में जो पुजारी, गया का जो पुजारी आतंक जब बढ़ गया था गया पे, जो गया में पिंडदान करने जाते हैं हम लोग का, हाँ गया पे, तो उन्होंने 10 पुजारी को अकेले लाठी से खेलकर हराए थे, दमन किए थे। तो आप यहाँ पे हर साल आते हैं? लगभग हर साल है ना, कब? हमेशा ही आते हैं। सरस्वती पूजा पर ही आते हैं या फिर कोई? नहीं, हम लोग हर अच्छा ओके, आप बनारस से ही? ओके, लेकिन हम लोग का पूजा बड़ी धूमधाम से, बड़ी अच्छा से मनाई जाती है, पूरा सनातन धर्म से। ये सनातन धर्म का मंदिर है, सरस्वती पूजा भी होती है, ठीक है, और पूजा होती है, जन्माष्टमी मनाई जाती है, शिवरात्रि होती है, और 16 तारीख को हम लोग गुरु जी का जन्मदिन होते हैं, उसी भी हम लोग अन्नकूट भोग लगाते हैं, जिसको माघी पूर्णिमा कहते हैं। बेसिकली आप बंगालीज हैं? यस। ओके, लेकिन आप बनारस में रहते हैं है ना? लेकिन कब से आप बनारस में रहते हैं? बनारस में तो मतलब आपकी पीढ़ियां रहती हैं पहले से ही? हाँ, बनारस में। हाँ, अच्छा, गाजीपुर है, बिल्कुल बिल्कुल बगल में ही गाजीपुर है। हाँ बिल्कुल, बनाता बाजित में उनका जहाँ जन्म स्थान है वहाँ बनाता पहले भारत आश्रम वही हुआ था। तो मैं एक्चुअली मैं स्वागत करता हूँ यहाँ पर, कि यहाँ पर बंगालीज लोग जो कि बाकायदा बनारस में बसे हुए हैं और अपनी संस्कृति के साथ में बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं, भारत के अलग अलग शहरों में फैले हुए। जैसे आप बोल रहे कि आप गाजीपुर से हैं, जो कि उत्तर प्रदेश का एक रिमोट एरिया है, साथ में आप बनारस से रेगुलर रह रहे हैं, और बेसिकली इनका संबंध जो है बंगाल से है, कोलकाता से है, तो एक बहुत ही अच्छी बात है। और आज का दिन जो हमारा बसंत पंचमी का दिन है, जिसमें बसंत उत्सव मनाया जाता है, उसी दिन पीला कपड़े में आए हैं, ये ट्रेडिशन होता है बंगाली का लुक, पीला कपड़े में बसंत पंचमी, तो बसंत का रंग में रंगना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आज बसंत पंचमी पी बिल्कुल ऑल ओवर इंडिया में है। हाँ हाँ, जब बसंत पंचमी इसलिए आते, खुशी उल्लास का समय आया था, ठंडा में बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ, आज बसंत ऋतु का आगमन होता है, आज का दिन नहीं है तो मौसम चेंज होता है। आज से बनारस के लिए स्पेशल दिन है, आज से श्री श्री काशी विश्वनाथ बाबा की तिलक उत्सव भी हो जाते हैं। अच्छा, आज से स्टार्ट होता है, बहुत अच्छे। तो हम लोग गुलाल भी लगाते हैं। हाँ, ये एक बहुत नई जानकारी हमारे साथ है और बहुत ही खुशी की बात है। और मैं बसंत पंचमी के दिन तो कहना चाहूँगा कि साल का सबसे खूबसूरत दिन बसंत पंचमी होता है, जिस दिन सबसे अच्छा मौसम होता है, और आज बिल्कुल, तो मतलब कि एक बहुत ही खूबसूरत दिन आज हम लोग साथ में हैं और एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस पे हैं। तो ये वी आर गॉड ब्लेस्ड कि हम लोग यहाँ पर हैं और बहुत सारे लोगों से हम लोग मिले हैं। आप लोग भी रहिए, प्रसादी लेकर जाइए आश्रम से। बिल्कुल बिल्कुल।